दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म पे इनकम टैक्स की लायबिलिटी वर्ष 2018-19 के लिए, यानी कि बजट 2018 के बाद पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर इनकम टैक्स की क्या रेट एप्लीकेबल होगी और उसका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा। बजट 2018 में पार्टनरशिप फर्म में टैक्स की रेट पे कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि वर्ष 2018-19 के अंदर पार्टनरशिप फर्म्स को अपने प्रॉफिट के ऊपर स्ट्रेट 30% फ्लैट रेट ऑफ टैक्स पे करना है। यानी कि आपका प्रॉफिट चाहे 10,000 रुपए है या आपका प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए है, आपको उसके ऊपर स्ट्रेट 30% टैक्स रेट से इनकम टैक्स पे करना है। परंतु जिन कंपनियों का प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन कंपनियों को अपने टैक्स के ऊपर सरचार्ज 12% की रेट से पे करना है। यानी कि सपोज आपका जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 50 लाख रुपए का, तो आपको 50 लाख पे 12% यानी कि 6 लाख रुपए का सरचार्ज इन एडिशन टू द टैक्स पे करना है। टैक्स और सरचार्ज के अलावा सरकार ने एक 4% का सेस, पिछले साल जो सेस था वो 3% था, इस साल जो सेस की रेट की है वो 4% कर दी गई है। जो अमाउंट टैक्स का बनता है प्लस जो सरचार्ज का अमाउंट होता है, उस टोटल अमाउंट के ऊपर सरकार 4% का सेस एडिशनल चार्ज करती है। हम अपने पुराने एग्जाम्पल को वापस लेते हैं। आपकी टैक्स लायबिलिटी है 50 लाख रुपए, उसके ऊपर सरचार्ज लगा आपका 6 लाख रुपए, इस 50 लाख प्लस 6 लाख टैक्स प्लस सरचार्ज 56 लाख रुपए पे 4% आपकी सेस की लायबिलिटी है, यानी कि 2,24,000 रुपए आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनी। 50 लाख प्लस 6 लाख प्लस 2,24,000 टोटल 58,24,000 रुपए। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। इनकम टैक्स लॉ और पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग होते हैं। यानी कि अगर फर्म पार्टनर्स को कुछ रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट देता है तो वो फर्म के खर्चों में एग्जेम्प्टेड होता है, यानी कि वो उसके इनकम में से लेस किया जाता है। लेकिन कॉशन, यहां पे दो रिस्ट्रिक्शन है। पहला रिस्ट्रिक्शन कि आपको रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट का क्लॉज आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर डलवाना पड़ेगा, और दूसरा दो क्वांटम जो है उसको भी इनकम टैक्स एक्ट अपना रिस्ट्रिक्ट करता है। इंटरेस्ट का अमाउंट आपका कैपिटल पे 12% से ज्यादा नहीं हो सकता है, और जो रेम्यूनरेशन का अमाउंट है उसके लिए सरकार ने स्लैब दे रखे हैं। नाउ सपोज यदि किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर लॉस आ रहा है, तो वो फर्म अपने पार्टनर को मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का रेम्यूनरेशन दे सकती है। लेकिन यदि किसी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है लेकिन वो प्रॉफिट 3 लाख रुपए से कम है, तो उस केस के अंदर मिनिमम 1.5 लाख रुपए या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, जो भी ज्यादा हो वो अमाउंट जो है वो फर्म अपने पार्टनर को एज रेम्यूनरेशन दे सकती है। और यदि किसी पार्टनरशिप फर्म का बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपए से ज्यादा है, तो इन दैट केस 2,70,000 रुपए 3 लाख रुपए तक के प्रॉफिट का, प्लस 3 लाख रुपए के ऊपर जो प्रॉफिट है उसके ऊपर 60% ऑफ द प्रॉफिट, दैट अमाउंट कैन बी पेड एज रेम्यूनरेशन। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज किसी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए तक को हम अलग कर देते हैं, बैलेंस बचा 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए का 60% यानी कि 4,20,000 रुपए पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, 3 लाख रुपए पे 90% यानी कि 2,70,000 रुपए हम रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, टोटल 6,90,000 रुपए हम पार्टनरशिप फर्म के बुक प्रॉफिट में से लेस कर सकते हैं एज पार्टनर रेम्यूनरेशन, और वो पार्टनर्स को हम एज रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं। सरकार ने छोटी और मंझोली पार्टनरशिप फर्म्स के लिए प्रिजम्प्टिव प्रॉफिट का प्रोविजन दिया है। इसको सरकार ने दो पार्ट्स में बांटा है, एक तो बांटा है सेक्शन 44AD और दूसरा बांटा है प्रोफेशनल्स के लिए जो आता है सेक्शन 44ADA। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 44AD। सेक्शन 44AD के अंतर जो भी एलिजिबल बिजनेस है, एलिजिबल बिजनेस हम किसको मानेंगे, LLPs को इससे बाहर किया गया है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको 44AA के अंदर कवर किया जाता है वो इससे बाहर हैं। इसके अलावा जो ब्रोकरेज या कमीशन का काम करते हैं या एजेंसी का काम करते हैं वे भी इस प्रोविजन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन इनके अलावा जो भी एलिजिबल बिजनेसेस हैं, वो बिजनेसेस यदि उनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए या उससे कम है, तो वो अपने टर्नओवर का एक सर्टेन परसेंटेज, अब सरकार ने यहां पे कैश को कम करने के लिए, इकोनॉमी में कैश ट्रांजैक्शन कम करने के लिए भी एक प्रावधान कर रखा है कि जो लोग कैश में काम करते हैं तो उनके कैश ट्रांजैक्शन पे 8%, और जो लोग डायरेक्ट बैंकिंग चैनल्स के थ्रू काम करते हैं, चेक से पैसा लेते हैं, NEFT के थ्रू पैसा लेते हैं, उनके टर्नओवर पे 6% अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं, उस प्रॉफिट के ऊपर वो टैक्स पे कर सकते हैं, और उसके अलावा उनको कोई बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और जो वो डिक्लेयर करेंगे वही प्रॉफिट मान्य होगा।
इन केस ऑफ प्रोफेशनल सेक्शन 44 एडीए दिया गया है। सेक्शन 44 एडीए के अंतर्गत जो प्रोफेशनल्स 50 लाख रुपए या उससे कम का बिजनेस कर रहे हैं उनको अपने प्रॉफिट का 50% एज डीम्ड प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है और उसके ऊपर जो अमाउंट होता है वो उनका एज इट इज एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है। यहां पे ध्यान देने वाली बातें हैं कि पहली चीज, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म चाहे तो वो अपना प्रॉफिट जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे ज्यादा बता सकती है। पार्टनरशिप फर्म यदि कोई सोचती है कि मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे कम है, तो इन दैट केस सरकार ने कहा है कि वो पार्टनरशिप फर्म अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन करें, उसको सेक्शन 44 एडी के हिसाब से ऑडिट कराएं और ऑडिट करवाने के बाद ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करके जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो उसको डिक्लेयर करें। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जो पिछले सेक्शन के अंदर बात की थी कि पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म के एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, वो ये मानती है प्रेजम्प्टिव प्रॉफिट के केस के अंदर सरकार कि जो उनको हमने डीम्ड एक्सपेंडिचर अलाउ किया है वो उसी का पार्ट हो गया है। फर्दर जो ये प्रेजम्प्टिव प्रॉफिट आया है उसके अंदर फर्दर कोई एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा और उस पूरे अमाउंट के ऊपर पार्टनरशिप फर्म को टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों, आप में से जो लोग पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर हैं तो उनको पार्टनरशिप फर्म से जो भी प्रॉफिट मिलता है वो सारा प्रॉफिट इनकम टैक्स लॉ में उनके पर्सनल हाथों में टैक्स फ्री है। उसके ऊपर उन्हें अपनी पर्सनल फाइल के अंदर कोई भी टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है, वो उनकी एग्जेम्प्टेड इनकम है। तो दोस्तों, ये प्रावधान थे पार्टनरशिप फर्म्स के विषय में। इस बार के बजट में पार्टनरशिप फर्म से कोई मेजर चेंजेस हुए नहीं है, मात्र एक चेंज है कि जो सेस की लायबिलिटी 3% थी उसको 4% कर दिया गया है। Thank you very much. See you very soon, guys.